यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सरकार के आदेश के बाद अक्टूबर में स्वेटर बंटने थे, लेकिन 22 नवंबर तक गोदामों तक 30% स्वेटर ही प्राथमिक शिक्षा विभाग तक पहुंचे। मौसम दिन प्रतिदिन सर्दी का होता जा रहा है और छोटे बच्चे बिना गर्म कपड़ों के स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के तन पर सिर्फ सूती शर्ट है। इसी को देखते हुए कृष्ण की नगरी मथुरा के रायाखंड में जब समाचार टुडे की टीम ने जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि बच्चों को सुबह ठंडे मौसम में ही पाठशाला तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी सरकार की मंशा के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं। रायाखंड के इस्लामिया पाठशाला और सारस और प्राथमिक विद्यालय तिरवाया प्राथमिक पाठशाला में अभी तक बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर का वितरण नहीं हुआ। यहां अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षिकाओं से जब इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूलों में वितरण के लिए अभी तक कोई सामग्री नहीं आई और न ही बच्चों को अभी तक बांटी गई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक स्कूलों में स्वेटर वितरण नहीं हुए हैं। स्कूल के द्वारा आपको कोई स्वेटर दिया गया है? नहीं। कब से नहीं दिया गया है आपको? अभी आए नहीं है। अभी स्कूल में आई नहीं है स्वेटर, तो आपको मिला नहीं है अभी स्वेटर? तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है 30 तारीख तक स्वेटर वितरण करने का, तो आपके स्कूल में स्वेटर वितरण हुए हैं या नहीं हुए हैं? जी नहीं हुए। क्यों नहीं हो पाए सर? ये तो हेड हैं वो बताएंगे, या तो ग्रांटिंग आई होगी अभी, या फिर जो स्वेटर वहाँ से बढ़ने की जो प्रणाली है वो कंप्लीट नहीं। तो क्या वहाँ से अभी तक मिले नहीं है? नहीं अभी नहीं मिले, प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अभी कोई जान गए अभी नहीं हुए, वितरण भी नहीं हुए, ना कोई सूचना है हमारे पास, न विद्यालय के हेडमास्टर की, न किसी की कोई सूचना नहीं है, न वितरण हुआ है। तो आपकी नगर पंचायत में कितने स्कूल पढ़ते हैं? प्राइमरी दो हैं, नगला भीमा एक तिरवाया। तो अभी किसी स्कूल में कोई स्वेटर वितरण नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि 30 तारीख तक हर स्कूल में बच्चों को, जो ठंड को देखते हुए, कि बच्चों को 30 तारीख तक स्वेटर वितरण हो जाने चाहिए, तो क्या आप कहोगे? और मुख्यमंत्री जी का आदेश तो होने चाहिए, और अभी तक तो यहाँ पे कोई सूचना है नहीं, न विद्यालय में।